श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संत महापुरुष कहते हैं तुम परमात्मा के ही अंश हो, इस शरीर में आ गए हो। शरीर बहुत प्रकार के हैं, 84 लाख किस्म के शरीर हैं। इस शरीर में आ गए हैं, यद्यपि यह शरीर भी हमारे लिए कैद खाना के समान ही है, लेकिन इसमें खूबी है, विशेषता है। क्या विशेषता है? इस शरीर में रहकर संत महापुरुषों के उपदेशों को हम धारण कर सकते हैं, उनके बतलाए मार्ग पर चल सकते हैं। अन्य शरीरधारी संत महापुरुषों के ज्ञान को श्रवण नहीं कर सकता। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बाघ, सिंह, कोई भी जानवर हो, क्या वह संत महापुरुषों के उपदेशों को सुन सकता है? वे जो बतलाते हैं वैसा कर सकता है? नहीं कर सकता। मनुष्य में यह ज्ञान है, मनुष्य सुन सकता है, समझ सकता है और कर भी सकता है। करना क्या है? हम लोग अभी जो करते हैं वह दुख को दूर करने के लिए ही करते हैं। खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अन्य तरह का कारोबार, रोजगार, जो कुछ भी करते हैं वह दुख दूर करने के लिए करते हैं। मूल में यही बात है कि हम दुख में नहीं रहें, दुख से हम छूटे हुए रहें। जैसे हम खेती करते हैं अन्न की प्राप्ति होती है, भूख के दुख से हम छूटते हैं। जीवन भर हम खेती करके अन्न खाते हैं, जीवन भर हम खेती करके अन्न खाते हैं, फिर भी भूख लगा ही रहता है। खेती करके, नौकरी करके, व्यापार करके धनोपार्जन करते हैं। संसार में जो कुछ मिलता है उससे थोड़े समय का सुख मिलता है, लेकिन क्या इसके करने से हम सारे दुखों से छूटे हुए रह पाते हैं? ठीक से विचार करके देखिए। जीवन काल में दुख लगा ही रहता है, अनेक तरह के दुख लगे रहते हैं। कभी शरीर में रोग होता है, उसे दैहिक ताप कहते हैं। कभी ईश्वरी प्रकोप होता है, उसे दैविक ताप कहते हैं। कभी एक व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है उसे भौतिक ताप कहते हैं। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन विकारों के कारण भी हम अपने को अशांत पाते हैं। ये सब होने का कारण क्या? इसके मूल में वह यही है कि हम परवश हैं। हम दुख तो भोगना नहीं चाहते, लेकिन हम शरीर रूप धारण रूप कारागार में पड़े हुए हैं, तो नहीं चाहते हुए भी हमें दुख का भोग भोगना पड़ रहा है। कब तक भोगते रहेंगे? जब तक यह परवशता रहेगी, जब तक शरीर रूप कारागार में रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। शरीर रूप कारागार में तो सब जीव हैं, लेकिन और शरीर धारी इससे छूटने का प्रयत्न नहीं कर सकता है। मनुष्य भी तब कर सकता है जब संत सदगुरु की शरण में जाता है। केवल कमाने खाने में जीवन नहीं बिताना चाहिए। संत महापुरुष की वाणी सुनकर चेत होता है कि केवल इसी के लिए हमको यह शरीर नहीं मिला है, अपना उद्धार करने के लिए, बल्कि अपने आप को इस कैद खाने से निकाल कर परमात्मा के धाम में ले जाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। कैसे हम अपने आप को इस कैद खाने से निकालेंगे? अभी तो हम लोगों को यह अख्तियार नहीं है कि इससे हम निकल जाएं। भले आप कहेंगे कि आत्महत्या कर लेंगे तो निकल जाएंगे। इससे एक ही शरीर छूटता है, वह भी बड़े कष्ट के साथ। आत्महत्या करने वाले और अधिक कष्ट में जाते हैं। 5 शरीरों के अंदर जीवात्मा है। केवल स्थूल शरीर को हम देख रहे हैं, 4 शरीर को नहीं। यह 4 शरीर है, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। कोई आदमी मर जाता है, शरीर त्याग देता है, फिर भी वह 4 शरीर के अंदर रहता है। मुक्त हालत में वह नहीं रहता, बंधन में रहता है। इसीलिए शरीर छूटने पर जीव को जाना पड़ता है। जो धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, वे विमान पर चढ़कर स्वर्ग जाते हैं। जो पापी हैं उसको यम के फंदे में बांधकर नरक जाना पड़ता है। अगर एक ही शरीर रहे तब तो पापी पुण्यात्मा सब एक ही रास्ते से चले जाए, सो नहीं होता। जीवात्मा 4 शरीरों के अंदर रहता है। कर्म के अनुसार भोग भोगना पड़ता है।
जब तक सब शरीरों से हम नहीं निकल जाएंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकेंगे। सब शरीरों से छूटने की युक्ति संत महापुरुष बतलाते हैं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।